नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MLM ज्ञान ही ज्ञान पर एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे LPNT से रिलेटेड वीडियो के बारे में, इसके बारे में अपडेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको यहां पर बता रहा हूं कि ई कैश वॉलेट का सिस्टम खत्म होने वाला है, जल्दी से अपना वॉलेट क्रिएट कर लीजिए, और नहीं तो अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो आपका ई कैश वॉलेट में जितना भी आपका डॉलर्स पड़ा हुआ है वो सारा जीरो हो जाएगा और उसकी कंप्लेंट आप कहीं भी नहीं कर पाएंगे, वो आप कहीं से भी कवर भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं कई वीडियो से आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं, तो आज फाइनली वो डे आ गया है कि आज के डेट में ये LPNT का जो आपका ई कैश वॉलेट है वो आज रात को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से आपका यहां पर कोई भी डॉलर आपका ई कैश वॉलेट में नहीं बचेगा। तो और कुछ नई जानकारी के साथ, क्या LPNT स्टेकिंग सिस्टम भी बंद कर रहा है? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, क्या स्टेकिंग खत्म हो रही है? स्टेकिंग अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब ई कैश नहीं तो स्टेकिंग कैसे करेंगे? तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, बीच से स्किप मत कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिल सके, पहले जानकारी हासिल कर सकें। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बात करते हैं LPNT के बारे में कि LPNT जैसा कि आपने देखा भी होगा कई वीडियो में, और अभी भी आज मैं फिर बता रहा हूँ, आज आपके पास कुछ चंद घंटे बचे हैं ई गैस वॉलेट में जो डॉलर्स आपके पड़े हैं उनको यूज़ करने के लिए। तो ये जल्दी से आप अपने यहाँ पे ई कैश वॉलेट के सारे डॉलर्स यूज़ कर लीजिए, या तो उनको स्टेकिंग कर लीजिए, अगर आपके पास उसमें डॉलर्स कम हैं तो उसमें कुछ अमाउंट ऐड करने के बाद आप वहाँ पर उनको स्टेक कर लीजिए, या अपने कोई भी अपलाइन या कोई भी मेंबर आपके टीम में है या उसमें कोर टीम में है तो उसके आप यहाँ पर इसको भेज कर आप वहाँ से इसको कैश करा लीजिए। तो ये दोस्तों बहुत ही जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे आपके लिए रहेगा, आपको आपके डॉलर्स यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे और आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अभी लोग ई कैश वॉलेट के थ्रू यहाँ पर हम लोग स्टेकिंग अपने कर रहे थे और जो भी हमारे पास डॉलर्स यहाँ पे आते थे ई कैश में आ जाते थे उनको हम स्टेकिंग पे लगा देते थे। तो अब जब ई कैश वॉलेट नहीं रहेगा तो हम स्टेकिंग किस तरीके से करेंगे, तो ये सब आप जानिए यहाँ पर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि ई कैश ख़त्म होने के बाद स्टेकिंग नहीं ख़त्म होगी, स्टेकिंग अभी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अब तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, हमें अगर स्टेकिंग करनी होती थी तो हम किसी दूसरे मतलब पर्सन को या फिर हमारी अपलाइन होता था या कोई भी कोर टीम मेंबर होता था उसके पास हम अपना INR भेजते थे अपने अकाउंट से, और उसके बाद हम वहां पर उनसे डॉलर्स बाई करते थे और हम वहां पे अपना ख़रीदारी कर पाते थे, अपनी स्टेकिंग कर पाते थे। जब हमें डॉलर्स मिल जाते थे तो हम उनकी ख़रीदारी कर लेते थे। तो हमें मेन चीज़ है, हमें बीच में थर्ड पर्सन का यूज़ करना पड़ता था LPNT टोकन को स्टेकिंग करने के लिए। और जैसे कई लोग बोलते भी हैं कि हम थर्ड पर्सन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम किसी को पैसे क्यों दे रहे हैं पहले और उसके बाद हम डॉलर लेने के बाद क्यों स्टेक करें, तो लोग कई लोग घबराते थे यहाँ पर, एक दूसरे को पैसे देने में लोग घबराते भी थे। जैसे कई लोग हैं अगर सामने हैं तो ठीक है, कई ऐसे लोग होते हैं जैसे मुझसे भी कई लोग यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, वो मुझे पेमेंट करते हैं तो मैं उनका भी यहाँ पे डॉलर सेंड कर देता था। तो दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से क्या है, कई लोग होते हैं उनके पास जो डॉलर्स खरीदने के लिए दूसरों को पैसा भेजने में संकोच करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा सिस्टम हो गया, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा सिस्टम बनने वाला है क्योंकि अब यहाँ पर ई कैश सिस्टम ख़त्म है तो आपको किसी को दूसरे को पैसे भेज करके आपको यहाँ पर डॉलर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको यहाँ पर स्टेक करने के लिए करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आपको बताएं, यहाँ पर अब आपको जो एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे LPNT अभी रजिस्टर्ड है वो एक्सचेंजेस में से किसी भी एक एक्सचेंजेस पे या सारे एक्सचेंजेस पे, आप चाहे तो सारे पे बना सकते हैं, सारे पे फ्री होता है, सभी पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। और दोस्तों अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं आपको इस चैनल में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि कौन सी एक्सचेंज पे किस तरीके से हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, KYC कंप्लीट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर आपको यहाँ पर बहुत अच्छे वीडियोज मिलने वाले हैं LPNT से रिलेटेड, क्योंकि यहां पर कैसे स्टेकिंग करेंगे, कैसे यहां पे अपना सेल करेंगे, ये सारी जानकारी आपको यहां पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों बात करें थोड़ा सा हम यहां पर
कि जैसे कि मान लिया अगर हमारे पास सबसे पहले कॉइन बाजार अगर हमारे पास है, अगर आपने अभी तक कॉइन बाजार पे अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पे यहाँ पे वीडियो शो हो जाएगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए और कॉइन बाजार में अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर दीजिए, क्योंकि कॉइन बाजार भी बहुत काम आने वाला है आपके आने वाले टाइम पे। क्योंकि LPNT अगर आपको खरीदना है या खरीद चुके हैं तो उनको सेल करना है, तो जो भी आपको काम पड़ेगा उसमें आपको कॉइन बाजार एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। तो कॉइन बाजार में किस तरीके से आप यहां पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां पर ऊपर जाके देख सकते हैं, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों यहां पर आप जब कॉइन बाजार में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको गिफ्ट के तौर पर यहां पर कुछ KBC कॉइन यानी कि कॉइन बाजार के कॉइन और कुछ यहां पर आपको CYINU कॉइन भी फ्री मिलता है, तो आप यहां पर जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और CYINU लगभग आपको 1 लाख के आसपास टोकन यहां पर फ्री मिलेंगे, तो इसको जल्दी से साइनअप कर लीजिए क्योंकि अब आगे LPNT में भी आपको कॉइन बाजार की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम अपना किसी भी एक्सचेंज पर चाहे वो कॉइन बाजार हो, प्रोबिट हो या बिट्रैक्स हो, इनमें से या वायु कॉइन हो, किसी में भी जाकर के आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और वहाँ पर LPNT टोकन को आपको बाई करना होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कॉइन बाजार में अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपको डॉलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आप अपने INR से ऐड कर सकते हैं, अपने बैंक इंडियन बैंक अकाउंट से आप इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं इसके वॉलेट में, और वहाँ से आप INR में ही LPNT को खरीद सकते हैं। उसके बाद आप को करना क्या होगा, वहाँ से LPNT खरीदने के बाद उस LPNT को आपको LPNT वॉलेट में लाना होगा और स्टेकिंग पे लगाना होगा अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हैं तो, और अगर आप सीधा सिंपली वहीं पे रख के आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से उसको वहाँ भी रख सकते हैं, वरना आप यहाँ पर स्टेकिंग के लिए उसको आपको LPNT वॉलेट में लेके आना होगा। तो किस तरीके से लेके आएंगे वहाँ से, ये सारा मैं आपको बताऊँगा जैसे ही यहाँ पे एक ई-कैश वॉलेट ख़त्म हो जाएगा। कल की डेट में मैं आपको यहाँ पे एक बाई करके भी दिखाऊँगा और कॉइन बाजार में किस तरीके से पैसे भी ऐड करते हैं, सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊँगा। वीडियो आप देखते रहिएगा, आइकन दबा के रखिएगा ताकि आपको वीडियो तुरंत मिल पाए और तुरंत जानकारी हासिल कर सकें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अपनी स्टेकिंग किया करेंगे अब, कि हमें किसी अकाउंट एक्सचेंज पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, वहाँ से LPNT टोकन बाई करना होगा और उसको यहाँ पर LPNT में लाना पड़ेगा, उसके बाद हम अपना यहाँ पर स्टेकिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ कि अगर हम बाहर से कहीं जब इसको खरीदेंगे, बाहर से किसी भी एक्सचेंज पे इसको जब हम बाई करेंगे तो हम जब अपने LPNT वॉलेट में इसको लेके आएंगे तो हमको कुछ गैस फीस भी देनी पड़ेगी, और वो फीस कितनी होगी ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, पूरा यहाँ पर लाइव आपको दिखाऊंगा। और इसमें आपको बेनिफिट भी एक मिलेगा, जैसे कि अगर हम टोकन अपने बाई कर रहे थे LPNT के, तो हमको डॉलर्स का प्राइस जो था 80 रुपीज़ का मिल रहा था, जो कि देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में 75 भी होता तब भी हमको 80 पेड करने पड़ते थे, लेकिन अब हमारे लिए यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा, हमको जो एक्चुअल प्राइस होगा हमें उसी में बाई कर पाएंगे, उसी में हम अपना सेल कर पाएंगे, तो बहुत अच्छा होने वाला है। और दोस्तों इसकी प्राइस भी बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब इस तरीके से जब बाई होगा एक्सचेंज से बाई होगा तो इसकी जो टोकन्स की जो क्वांटिटी है ये भी कम होती जाएगी, वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो इसके बाद आप यहाँ पर प्राइस में यहाँ पे उछाल अब देखने वाले हैं, बहुत जल्दी अब इसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करते जाइए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले मिल सके। और अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।